वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो हजूर साहब से चलने का टाइम हो गया, अब निकल रहे हैं बिदर के लिए। तकरीबन 5:15 हो गए हैं सुबह के। तो बस अब रास्ते में पहले आपका, जैसे इस वीडियो के अंदर बेसिकली इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि गुरु नानक देव जी के 550th बर्थडे को सेलिब्रेट जो कर रहे हैं नानक जीरा गुरुद्वारे में, वो आपको दिखाते हैं। और रास्ते में 2-3 गुरुद्वारे पड़ते हैं, उसको कवर करेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर रास्ते में आपको सीधा। हाँ जी, तो आज के दिन के पहले गुरुद्वारे में आ गए हैं जो रास्ते में पड़ता है। ये मतलब 4 साहिबजादों के ऊपर बनाया हुआ है। मतलब ये बेसिकली बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की याद में बनाया हुआ। अगर आपने 4 साहिबजादे मूवी देखी आपको पता होगा सब कुछ के अंदर दिया हुआ। यहाँ से इसकी एंट्री है। यहाँ का लंगर हॉल आप चेक कीजिए जरा। काफी अच्छा बना हुआ है ये गुरुद्वारा। मैंने ऊपर एरोप्लेन खड़ा हुआ देख रहे हो आप, बहुत जबरदस्त। अभी दिखाता हूँ आपको दूसरी साइड से, साइड से देखिए ऊपर। ये जब मतलब आप बिदर जाते हो उसके रास्ते में आएगा, यहाँ पे आप रुक सकते हो। 80 किलोमीटर है नांदेड़ से। तो चलो अब चलते हैं, आपको नेक्स्ट गुरुद्वारा में मिलते हैं सीधा जाके। ये बिदर के रास्ते में गुरुद्वारा आ रहा है माता पाक का, और ऊपर बहुत अच्छा बना हुआ है, किला टाइप बनाया हुआ है। जो दरबार साहब है वो ऊपर बनाया हुआ है इन्होंने, मतलब जहाँ पे मत्था टेकना है। कुछ कुछ कुआलालंपुर की मुझे याद आ गई, वहाँ पे भी ऊपर ही बना हुआ था। स्थान है माता भागवत कौर जी का, यहाँ पे उन्होंने मेडिटेट किया था। ये सारे गुरुद्वारे नानक जीरा के रास्ते में आएंगे, आपको मिलेंगे। हाँ जी, फाइनली जिसकी वेट थी वो पूरी हो गई है, बेसिकली जिसके लिए ट्रिप प्लान किया गया था। आ गए हैं अभी नानक जीरा साहिब गुरु नानक देव जी का, कि यहाँ पे शुरुआत हुई है 550th बर्थडे, मतलब यहाँ पे भी मना रहे हैं। ब्यूटी देखिए इस प्लेस की। वो सामने उस साइड से एंट्रेंस है, आपको पास में जाके दिखाता हूँ।
भी गए, जगह बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। बेसिकली यहाँ पे मतलब सारे लोग आते हैं जो हजूर साहब आते हैं, मतलब आते ही आते हैं। अंदर चलते हैं, चलो इस साइड से सामने आप प्रसाद ले सकते हो। अंदर चलते हैं, चलो अंदर से देखिए ऐसे बना हुआ। तो देखा आपने, अभी बस लंगर खाने जा रहे हैं लंगर हॉल के अंदर, आपको भी दिखाता हूँ। तो ये यहाँ का लंगर हॉल में बैठे हैं, लंगर आ गया हमारा। अजी तो देखा आपने ना, मतलब अच्छा बना है काफ़ी। बेसिकली नानक जीरा की हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे पानी नहीं होता था, तो किसी ने गुरु नानक देव जी को कहा तो वो कहते हैं यहाँ पे पानी है, वो मानते नहीं थे। तो उन्होंने मतलब ना यहाँ पे पैर लगाया था, तो उसके नीचे से झरना आ गया था। अभी आपको मैं झरना भी खाता हूँ, पहले आप वो झरना देखिए। मतलब कि इतने साइंटिस्ट पता लगा चुके हैं अभी तक कि ये पानी आ गया सर, आज तक नहीं पता लगा। आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो, मतलब सभी फेल हो चुके हैं। पानी मतलब लगातार आई जा रहा है, कई मतलब कि स्टेट्स के अंदर पानी खत्म हो गया। यहाँ पे कहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि वरदान मिला हो गुरु नानक देव जी का। अभी आप वो देखो पहले, इस साइड पे है अमृत कुंड बोलते हैं इसको, देखो मतलब कई देख लो कितने पुरानी बात है, अभी तक पानी लगातार आ ही आ रहा है, कभी बंद नहीं होता। वो सामने पैर भी लगा हुआ उनका देखिए। ये देखिए आपको पास से दिखाता हूँ, अभी सरोवर के दर्शन करवा रहा हूँ आपको। ये देखिए छोटे होते हम आते थे इसके अंदर खूब, मतलब कि स्नान करते थे। ये ज़्यादा गहरा नहीं है, ये देखिए। जबरदस्त, तो देखा फिर आपने सरोवर नानक जीरा साहिब। बेसिकली 550 जैसे आपको पहले बताया मैंने, उसके लिए मनाया जा रहा है। तो काफ़ी प्रेपरेशन चल रही है नवंबर के अंदर, 10-11-12 नवंबर को। तो बस ये जर्नी यहीं पे सफल होती है इसके साथ ही। अब इसके बाद निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए, वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड है उसके पास जाऊँगा। उसके आज और कल मतलब 2 दिन आपको वीडियोस नेक्स्ट वहीं की मिलेंगी हैदराबाद की। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आपके, आप ज़रूर आइए दर्शन कीजिए, जगत गुरु माना जाता है गुरु नानक देव जी को। तो आप सभी का सफल हो, ब्लेसिंग्स आप सबको गुरु नानक देव जी की ओर से। खैर तो चलो बस इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। छोटी सी वीडियो बनाई थी बस आपको ओवरव्यू करवाने के लिए। तो चलो एज ऑलवेज ईट हेल्थी, लिव पीसफुली, थिंक वाइजली, गॉड ब्लेस ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।